या प्रतीक चिन्ह है जल जीवन। स्तरीय पदाधिकारी, सभी गौमान्य जनों, शिक्षकों का मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी, आप सभी को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं, तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ, तो इन सब चीजों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने, और यह काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफ़ी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया, और जब 100 साल का समय आया 2012, चूँकि 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीज़ों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हमारा राज्य गीत है इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए। तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं, ये पहले की बात है, तय है, तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया, वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और पहले बिहार में शिक्षा थी, इन दिनों हम काफ़ी पीछे रहे,
तो इसीलिए शिक्षा विभाग को ये जिम्मेवारी दी जाए और इसको बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को ये जानकारी दें। तो जब नई पीढ़ी के लोग, पुरुष और स्त्री, सब के सब लोगों को अगर इन सब चीजों का एहसास हो गया, जो पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं उन सब लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चा हो जाएगी तो सबके मन में एहसास होगा। और आप जान रहे हैं अब तो बिहार दिवस, आप जान लीजिए सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में और यहां तक कि दूसरे देशों में जहां बिहार के लोग रहते हैं वहां बिहार दिवस मनाते हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज के बिहार दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी है बिहार दिवस के अवसर पर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार दिवस का कितना महत्व है, सब लोगों ने इनको स्वीकार किया। ये कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के DMSP सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई, एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहां तो कम है लेकिन अपने यहां भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहां भी बढ़ने लगा, 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर, बढ़ रहा, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते, उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है, जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम है। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा, महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए, शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया है। हमारे यहां तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की, अफेक्टेड तो हुए हैं, प्रभावित तो हुए हैं, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहां भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है।